सुना। तो ये है मेरा लंच की मजा आ गया, इंतजार खत्म हो चुका है। उनके कमेंट आप भर दो, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करें। नहीं नहीं नहीं, चीकू आ गया, ध्यान से। इसका नाम है जय मत, मुझे बहुत डर लग रहा है। मोहित सर करेंगे मेरा फेशियल। छोरा हरियाणे का भाई देख मेरा टोरा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आई हूँ अभी अभी जिम से, मैं जा रही हूँ शावर लेने, और गोलू आज नहीं गई थी जिम, वो घर पे ही थी, उसकी तबीयत थोड़ी डाउन थी, तो मैं मिलती हूँ शावर के बाद। तो अभी बच गए दोपहर के 2 और मैं शावर ले चुकी हूँ, और आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, मतलब मेरे पेट में सुबह से दर्द था, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं किया जिम जाने का। मैं जाऊंगी जिम कल। अच्छा हुआ आज की मैं जिम नहीं गई, क्योंकि शांति नहीं आई आज घर पे, उसका आज ऑफ है। तो मैंने जितना भी काम था वो सारा का सारा करवाया, घर की साफ सफाई करवाई, प्लस चीकू को नहला धुला के नाश्ता करवाया, ट्यूशन भेज दिया टाइम से। चिपकन बिट्टू का गल है सुना, चिपकन खाना खा लिया कर सोने। तो चिपकन जो है ना बहुत ही आलसी बच्चा है, इसको खाना कब से दिया हुआ मैंने और खा नहीं रहा। ये क्या है गुरु? फाइल पता नहीं, मैंने खोला ही नहीं क्या है। मैंने थोड़ा सा हल्का सा झांका था, कलर तो मैंने सोचा चल छोड़ रहे थे, लाल और ग्रीन है। और इधर मैंने मशीन लगा ली है, 39 मिनट्स बच गए हैं, कपड़े धुल लेंगे। देखियो कैसा है, अच्छा लग रहा है, दोनों कलर सुंदर है, रॉयल ब्लू और रेड ना। पूरा दिखाती हूं पहले, तो दोनों कलर तेरे पे अच्छे लगेंगे। जैसे रेड चूड़ा पहना हो ना तो पहन लियो, अच्छा लगेगा। आज जिम में क्या किया था? चेस्ट वर्कआउट। मेरी तबीयत ठीक है, आज के दिन खराब हुई, क्योंकि मेरे को चेस्ट वर्कआउट बिल्कुल पसंद नहीं है जिम में, मतलब सब कुछ पसंद है, चेस्ट वर्कआउट नहीं पसंद। गोलू हमेशा डांट खाती है चेस्ट वर्कआउट में, क्योंकि इससे जो पोस्चर्स है ना वो ठीक नहीं आते। पायल मैं लंच कर रही हूँ, आज लंच करते हैं। मैंने भी प्रोटीन पिया, मेरा दिल नहीं कर रहा। तो आज बहुत ही ज्यादा खुशखबरी है, आज घर पे आने वाले हैं 4 से 5 टॉय पम्प, और वो अडॉप्शन के लिए जाएंगे। कौन उनको अडॉप्ट करता है वो एक सरप्राइज है। तो ये है मेरा लंच, और आज मैं खा रही हूँ दाल, अरबी, चटनी और रोटी। तूने खा लिया दीपक लंच? अभी नहीं, भूख नहीं है मेरे। सागर इतना टेस्टी खाना बनाता है ना, अगर आपकी एक रोटी खाने की इच्छा होगी ना तो आप 2 खाओगे। मतलब मैं सोच रही थी कि यार मेरा बिल्कुल भूख नहीं लग रही, मैं एक ही रोटी खाऊंगी, बट इतनी टेस्टी अरबी बनाई है ना कि मजा आ गया। पायल ड्रैकिंग वाले भैया को कॉल कर देती हूँ, कपड़े ले जाएंगे। ठीक है ठीक है, बाकी कपड़े तो धुल के सूख गए बाहर। ठीक है, और इनकी टी शर्ट भी खराब हो रही है ना, हाथ से धोई हुई थी। हाँ वो ना कॉटन की टी शर्ट थी, हाथ से धो दी तो उस पर रुए रुए आ गई है, अब मैंने वो टी शर्ट ड्रैकिंग पे दे रही हूँ मैं। चल ठीक है। तो गाइज आपकी इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है, अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं टॉय पॉम्प, और आप हमें कमेंट करके बताना किसको अडॉप्ट करना है। तो गाइस इंतजार खत्म हो चुका है, आ चुके हैं 4 टॉय पॉम्प, ये वाला नहीं ये 4, ठीक है, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। और आगे ये आपको कैसे मिलेंगे वो पुलकित भैया बताएंगे। अभी जैसे कि हमने प्लान किया है, डॉक्टर साहब का जो चैनल है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, डॉक्टर साहब के चैनल पे जो है आप जाकर जो लेटेस्ट वीडियो के नीचे कमेंट्स भर दें। देखो गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ, हमारे पुलकित भाई थोड़े से नर्वस हो जाते हैं, तो क्या है प्रक्रिया क्या है, हमारे डॉक्टर साहब हैं जिनके ये डॉग हैं, बायो में कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यूट्यूब चैनल डाल दें इनका, उनके कमेंट आप भर दो जिनके सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे, और उसके बाद आपको मेरे इंस्टा आईडी पर जाना है, वहाँ उनको सब्सक्राइब कर लेना, और फिर क्या ना हम आपको मैसेज करेंगे। एक्चुअली क्या है कि हमारा भी एक यूट्यूब चैनल है, वो डॉग से रिलेटेड है, उसके हेल्थ के जो भी इश्यूज आते हैं उनके ऊपर हम सारी दवाइयाँ वगैरह बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने भी अरमान भाई के व्यूअर्स हैं एक बार जाके विजिट जरूर करना चैनल को। यूट्यूब चैनल भी बता दो दादा किस नाम से है? डॉक्टर सदाना पेट के टिप्स के नाम से। आपको कमेंट भर देने कि भैया मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, जिसके सब्सक्राइब भी कर लेना यार, कहीं कमेंट करते रहो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी चीज़ें होंगी, मतलब क्या है ना ये बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है डॉक्टर साहब हमारे डॉग को लेके, और उसमें क्या है ना आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, कभी जीवन में आपको डोनेशन देनी है डॉग के लिए वो भी हो सकता है। क्या बोलते हो? बिल्कुल बढ़िया। तो फाइनली गाइस जिस चीज़ का इंतजार था वो घड़ी आ गई है, टॉय पॉम यहाँ पे हैं देख सकते हैं। और जिमी कह रहा है भैया मेरा खाना खा रहे हो तुम, पर जिमी ना वेट कर रहा है कि पहले छोटे बच्चे खा ले फिर मैं खाऊंगा। बिल्कुल। तो जिमी को ये भी पता है कि मेहमान भगवान का रूप होता है, हमारे साथ हैं भैया हमारे पुलकित भाई डॉक्टर साहब हैं, और ये जो डॉग हैं ये इन्हीं के हैं। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ ये डॉग आप तक कैसे पहुँचेंगे, आप मेरे जो इंस्टा आईडी है उस पर मैसेज कर सकते हैं, और उसके बाद क्या होगा ना उसी में से हम सिलेक्ट करेंगे, फिर आपको मैसेज कर देंगे, मेरे इंस्टा से मैसेज आ जाएगा आपके पास। और पुलकित भाई भी हैं, इन्हीं की बदौलत ये टॉय पॉम यहाँ खेल रहे हैं। तो हमारा मेन फोकस था भाई कि इन बच्चों को अच्छा घर मिले, फिर हमने सोचा कि सबसे अच्छी ऑडियंस
हमारे अरमान भाई की है, तो मैंने सोचा कि उनकी ऑडियंस में से कोई अच्छे अगर लोग हम इनके लिए अडॉप्शन के लिए मिल सके तो उससे अच्छा क्या होगा। तो डॉक्टर साहब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बुरा मत मानना, आप इनको सेल भी कर सकते थे, आप अडॉप्शन क्यों करवा रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि जो इनकी मदर थी बेसिकली जी, वो बड़े बायस थे कि इसको मेट करवाएं ना करवाएं, इसके बेबीज करवाएं कि ना करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पहले मुझे कहते कि इसकी स्पेइंग करवा दी, मतलब इसके स्टरलाइज करवा देते हैं। जी जी। फिर किसी ने उनको बोला कि इसको एक बार मदर बना देना बहुत जरूरी है, ये भी अपने माँ का सुख ले ले। जी जी। तो उन्होंने उस पर्पज से इसको मेट करवाया था, तो वो चाहते थे कि जो पप्पीज हों वो किसी अच्छे घर में जाए, वैसे डॉग का बच्चा सेल नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये बहुत बड़ी बात है, अगर आप सोचो 4 डॉग है, 1 लाख से ऊपर के डॉग हैं, क्योंकि मुझे पता है मैं डॉग लेता रहता हूँ, और ये बहुत बड़ी सोच है। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, जब भी इनकी डोनेशन हम जिनको ये देंगे तो उनको वीडियोस भी बनाएंगे, उनको पूरी वीडियो बनाएंगे, उन्होंने कैसे कमेंट किया, हम कहाँ तक कैसे पहुँचे, वो भी होगा। ये नहीं कि हम अपने रिलेटिव को दे देंगे, ये बिल्कुल नहीं होगा। हम किसी ऐसे पर्सन को देंगे जिसकी इसको जरूरत हो और अच्छे से इसकी केयर कर सके। तो गाइस मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, बायो में डॉक्टर साहब का यूट्यूब चैनल है, पहले आपको वहाँ जाके कमेंट और साथ के साथ सब्सक्राइब भी कर देना, उसके बाद आ जाना मेरे इंस्टा पे, वहाँ पे आपको मैसेज करना कि भैया हमें दे दो और हम इनकी बहुत ही अच्छे से टेक केयर करेंगे। और ये आपको करना है, वीडियो डालने के बाद आप समझ जाओगे कब करना है, और 2 दिन के अंदर अंदर हम इसका रिजल्ट दे देंगे। बिल्कुल। और जिनको हम ये अडॉप्ट करवाएंगे उनकी वीडियो भी बनाएंगे, कैसे उन्होंने मैसेज किया था, कितने मैसेज किए थे, फिर हमने इंस्टा से उनको वीडियो कॉल की, मैसेज किया, वो रिएक्शन भी आपको दिखाने वाले हैं। ये नहीं कि हम किसी भी रिश्तेदार को उठा के दे देंगे, अपने जानकार को दे देंगे, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बिल्कुल। मज़ेदार सी चाय आ गई है, और पुलकित भाई कह रहे हैं मैं 2 कप चाय पीऊंगा। मैं 2 कप, अरे लास्ट टाइम चाय और लस्सी दो चीजें पिला दी थी, मेरा पेट फिर उस टाइम थोड़ा ठीक नहीं था। तो सारे बच्चे चले गए सोफे के नीचे, ये देखो इधर देखो। तो गाइस बहुत सारे डॉग हो गए हैं भैया, और ये डॉग आपके घर आने वाले बहुत जल्दी, तो जो बोला फटाक से कर दो, कमेंट भर दो इंस्टा आईडी पे, आपको वीडियो कॉल करने वाला हूँ मैं, इसको मैं लेके जा रहा हूँ। नहीं, 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 ये तो नहीं जा सकता। चीकू आने वाला है, वो बड़ा खुश होगा। मुझे चीकू सुबह बोल के गया था जब ट्यूशन गया था, मम्मा डॉग्स कब आने वाले हैं, मैंने कहा बस 1 घंटे में, कह रहे मैं कब आऊंगा, मैंने कहा आप भी तभी आओगे। तो गाइस यहां पर है बहुत सारी दवाइयां, और हमारे डॉक्टर साहब लेके आए जिमी के लिए, और हमें इन्होंने बिल्कुल तरीके से समझा दिया, बायो में लिंक है, आप देख सकते हैं कैसे समझाया है। और दूसरी बात एक और बता देते हैं, कभी भी आपको डॉग को कुछ भी हो जाता है तो इनका यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने सारी वीडियोस बना रखी है ऑलमोस्ट, जो डॉग की कॉमन प्रॉब्लम क्या है, स्किन प्रॉब्लम हो रही है, वॉमिटिंग, लूज मोशन, कोई ब्रीडिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है। मेरी बेसिकली स्पेशलाइजेशन ब्रीडिंग से रिलेटेड है, कोई डॉग जो डॉग का बिजनेस जो करते हैं, जो उनको कोई किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन फील होती है, वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सारे जवाब वहाँ मिल जाएंगे। चीकू आ गया, चीकू का वेट हो रहा है। चीकू वो बहुत देर से ना, बहुत देर से मुझे बोल रहे हैं चीकू को बुला लो, ट्यूशन से चीकू को बुला लो। हेलो हाय चीकू। हेलो। तो भैया हमारा चीकू हमारे नए टॉय पोम के साथ खेल रहा है, इसका नाम हम नहीं रखेंगे, नाम वो रखेंगे जो इनको लेके जाएंगे। चार डॉग के साथ सोऊंगा अभी। खड़े मैं निकाल, मैं निकाल दूंगा, मम्मा निकाल देगी। चीकू निकल गया, ध्यान से निकालना बेटी, ध्यान से ऊपर बिठा दो। एक सेकंड, कितने रह गए? 2 रह गए। चलो आप सबको निकाल दो। चीकू हां जी बेटा, ये तो सो जाएंगे, आप भी सो जाओ। मैं इन दोनों को सुला दे, इन दोनों ने सो रहे। ये बताओ कब सोएंगे? जब आप सोओगे। तो यहाँ चीकू के पापा का जूस रेडी है, बस जूस देना उनको, और ये घर का फ्रेश जूस है जो हम हमेशा निकालते हैं। पायल हाँ, मैं इनके साथ जा रही हूँ स्किन का ट्रीटमेंट लेने के लिए, ठीक है? हाइड्रोफेशियल करा के आ रही हूँ, साथ में दीपक को भी लेके जा रही हूँ, और चीकू के पापा भी जा रहे हैं। ठीक है जाओ। चीकू आपके लिए मैंने किंडर जॉय मंगवा दिया है। ठीक है, मैं शोर नहीं कर रही। और चीकू ना जब से बच्चे आए ना, चीकू यहाँ से हिल नहीं रहा, मतलब कंटिन्यू इनके साथ ही है। तो अभी मैं निकल रही हूँ हाइड्रा फेशियल के लिए, और हाइड्रा फेशियल कराने से पहले करूँगी मैं पूजा खाने की, पेट पूजा। तो हम वहीं पे जा रहे हैं, डॉक्टर मोहित स्किन स्पेशलिस्ट, और हमारे साथ दीपक भी जा रहा है, दीपक को भी कुछ काम करवाना अपनी स्किन का। तो गाइस यहाँ पर हो रहा था हमारा रील का शूट, फोटो शूट मैंने किए, ये वाले रील, ये वाली गाड़ी की लोकेशन जरूर चेक करना गोलू के इंस्टा पे जाके। तो अभी हम जा रहे थे डॉक्टर के पास, और अभी हमें मिले हैं गणेश जी, मैं आप लोगों से मिलवाती हूँ, आ जाइए। बोलो वहाँ से ना पत्ते उठा के खिला दे, अभी खिलाती हूँ। पंडित जी कहाँ से हो आप? सुरंत से आ जाओ, भाई ध्यान से, लकड़ी भी खा जाते हैं, लकड़ी भी खाते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है जयमती, और जयमती है 35 साल का, 35 साल की। डर मत ना, आ जा। मुझे बहुत डर लग रहा था, मैंने क्या अगर ये बैठ गया तो, कह रहे नहीं आधा घंटा लगता है बैठने में। तो गाइस गणेश जी से हम मिल लिए, तो अभी निकलते हैं डॉक्टर के पास। चलो, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था जाने का।
तो मेरा होने जा रहा है कार्बन फेशियल, जो कि मैं भी पहली बार करा रही हूँ। और मैंने सोचा था कि बहुत कुछ करवाऊंगी, बट डॉक्टर ने मुझे एडवाइस करा कि आप हाइड्रा फेशियल की तरफ मत जाओ, बिकॉज आपकी एक्ने स्किन है, तो आप वही करवाओ जो मैंने बोला है। तो देखते रिजल्ट क्या आएगा। तो पूरा आराम किया जा रहा है गले में। पूरा आराम किया जा रहा है। ये वही वाली मशीन है ना जो आपने देखी थी? हाँ वही है। तो अभी मेरा होने वाला है कार्बन फेशियल, और सीरियसली बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ कार्बन फेशियल। तो अभी मेरे फेस पे कार्बन लगा के छोड़ दिया है, मोहित सर करेंगे मेरा फेशियल। तो गाइस मेरा फेशियल हो गया एकदम डन। तो फाइनली घर पहुंच गए हैं और काफी ज्यादा थक भी गए हैं। गोलू अपनी दवाइयां चेक कर रही है। तो डॉक्टर मोहित किंग स्पेशलिस्ट का इंस्टाग्राम बायो में मैसेज कर लेना। आपने वो देखा है हाथी देखा? पापा मैंने हाथी पे बैठा हुआ हूँ। मैं कब बैठी थी चीकू? नितिन भैया के साथ जाता था ना ये ट्यूशन व्यूशन, तो रास्ते में दिख गया था। आज डिनर में बने हैं छोले और साथ में चावल और रोटी। बीच में ना मेरे एक्ने बिल्कुल बंद हो गए थे और फेस एकदम क्लीन हो गया था, बट फिर से एक्ने आ गए। और अभी डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप 2 घंटे बाद फेस वॉश करना, तो 2 घंटे बाद फेस वॉश करूंगी, और 2 दिन के लिए मुझे मेकअप नहीं करना बिल्कुल भी। तो बस सबका खाना वाना हो गया, चीकू टाइम से सो चुका है, मैं भी जा रही हूँ सोने। इस वाले व्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए, और ध्यान रखिए नंबर वन रिकॉर्ड्स को भी आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं, 3रे दिन तो गाना आने वाला है। तो बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट।